दुमका को विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाने के उद्देश्य से दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने 85,35,85,400 की योजनाओं में कार्य का शुभारंभ किया। वहीं विधायक ने 59,74,062 रूपए के डीसी चौक पर अवस्थित जंक्शन की मरम्मति और सौंदर्यकरण के कराए गए कार्य का उद्घाटन भी किया। इस दौरान जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा सुदृढ़ होगी तथा विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। जिन तीन सड़कों के पुनरुद्धार कार्य का शुभारंभ विधायक बसंत सोरेन ने किया उनमें गोविंदपुर साहिबगंज पथ पर 126 से 143 किलोमीटर तक कुल 174 किलोमीटर में तथा 0.45 किलोमीटर के सर्विस रोड के पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण कार्य को 12,05,00,000 रुपए की लागत से कराया जाएगा, जबकि इसी रोड पर 143 किलोमीटर से 188 किलोमीटर तक यानी फूलो झानो चौक से अमड़ापाड़ा तक 46 किलोमीटर सड़क के मजबूतीकरण का कार्य 33,51,00,000 रुपए से पूर्ण होगा। वहीं गुहिया जोरी चौक के रामगढ़ गोड्डा तक 66 किलोमीटर तक मजबूतीकरण कार्य होगा। दुमका से अगस्तीन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। काफी दिनों से लोगों का एक डिमांड था और मांग थी कि रोड काफी इस रोडों की स्थिति काफी खराब है, और चूंकि आप जब भी जानते हैं कि मैं निरंतर इस चीज को देखता हूं और जो भी मेरे पास समस्याएं आती हैं मैं नीचे स्तर पर जाकर उसको देखने का प्रयास करता हूं कि क्या वाकई स्थिति इतनी जर्जर है। उसी के मार्फत आज तीन नए सड़कों का, कुछ मरम्मति का और कुछ नए सड़कों का आज शिलान्यास हुआ और उद्घाटन, और इसी तरह कई समस्याएं जो भी आती हैं और आती रहेंगी उनका निरंकरण इसी तरह होता रहेगा। और दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।